अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। और अभी इस वक्त हम लोग आए हैं कहाँ आए हैं भाई? बच्चों को लेकर आए हैं जमील मेमन कॉलोनी या जमील मेमन सोसाइटी है। यहाँ पे डिफरेंट फार्म्स हैं और VIP कैटल फार्म। आपको हालत से अंदाज़ा होगा मेरी कितनी गर्मी है कराची में, और बच्चे जो हैं वो फुल बेकाबू हो जाते हैं यहाँ के, और मक्खियाँ मच्छर सब चीज़ें यहाँ पर। तो बस अभी हमने सोचा कि बकरीद सीज़न 2024 है, तो आप लोगों के साथ मैं अपना ब्लॉग शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कराची की रौनक, बकरीद पर कराची की रौनक किस तरह से होती है, और VIP कैटल फार्म में किस किस तरह के जानवर हैं वो सब मैं आपको दिखाती हूँ, और बच्चों से भी मिलवाती हूँ आपको मैं। तो आप बच्चों से भी मिलेंगे तो आपको अंदाज़ होगा कि बच्चे कितने बेकाबू हो चुके हैं। और भाई बहुत गर्मी है और मेरे ग्लासेस पे मॉइस्चर आ चुका है, और बस चले आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ साथ में कि किस तरह बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, कितने बेकाबू हो रहे हैं। मैं साथ साथ ही रहेगा। आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा दूर रहो, इतना ज़्यादा भी नहीं घुसो उसके, मैं थोड़ा पीछे हो जाओ फिर भी यार, मोहम्मद का पाँव तो पीछे करो मोहम्मद, यार तुम सुनते ही नहीं हो, खूबसूरती चेक करें, देख ली मैंने खूबसूरती, मैं अपना बोल दिया ना तुम सुनते नहीं हो, व्लॉग में भी आ रहा होगा ना, आने दो व्लॉग में, अच्छा है पता चलेगा कितनी डांट खा रहा होता है ये, मम्मी देख क्या एक औलाद मेरी यहाँ खड़ी है और एक औलाद यहाँ खड़ी है, बेकाबू मेरी बहन को पसंद आया बॉल जाना, मुझे पसंद नहीं आ रहा, ठीक है खूबसूरती में ये वाला है, साइज में वो भी खूबसूरत बढ़िया खूबसूरत दिया, अब कौन कौन डालता है, यह 1.2 ठीक है, और ये देखिए वो मारने वाला है, क्या आपके बच्चे भी जानवरों को खाद जो है वो बकरा गाय बन जाते हैं मोहम्मद? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूं, खैरियत होंगे। अभी हम लोग आए हैं जमील मेमन कॉलोनी, जानवर गाय का सीजन आ चुका है, जून जुलाई सीजन आ चुका है, मेरा फेवरेट जून जुलाई नहीं आया अभी, नहीं मतलब मेरा फेवरेट सीजन आने वाले ना, क्योंकि ना मेरी यहाँ बर्थडे भी होती है, बकरा ईद भी आती है, और ये वो नुखरी देखे प्यारी और नुखरी, आ जाओ इधर मोहम्मद, ये गाय भागती हुई आ रही है, गाय भागती हुई नुखरा है, नुखरा है, नुखरा इतना प्यारा, उमर मत के जानवर जानवर के नोटम चल जाए आगे क्या गाय होंगी। तो बस अभी हम लोग मंडी विज़िट कर रहे हैं, यह है जमील मेमन कॉलोनी, और यहाँ पे मुख्तलिफ VIP कैटल फार्म्स हैं और उनके VIP एनिमल्स होते हैं यानी कि गाय और बकरे। तो बस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पापा जो हैं वो पसंद भी कर रहे हैं और जो पसंद आएगा उसके प्राइस भी लगा रहे हैं, तो खूबसूरती तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जानवर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है नो डाउट। और ये मैं इतना करीब जा कर वीडियो नहीं बना रही हूँ, ये मैं जूम करके सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि भाई मैं इतनी बहादुर तो हूँ नहीं कि मैं जानवर के इतना करीब जाके आपको वीडियो बनाकर दिखाऊं। तो बस यहाँ पे पापा जो हैं वो मेरे पसंद कर रहे हैं कि हमें यहीं से कोई गायें पसंद आ जाए, लेकिन भाई यहाँ के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि जाहिर है जिस तरह के जानवर हैं यहाँ पर उस हिसाब से उनके प्राइस हैं, यहाँ पर मिनिमम भी जानवर जो है वो 7 से 8 लाख से स्टार्ट हो रहा है। तो बस यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बकरे को भी हाथ लगा रहे हैं, बकरे भी बने हुए वीट वीट में, और पापा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कोई सेटलमेंट हो जाए कोई किसी जानवर की और कोई से जानवर डन कर दें। तो यहाँ पापा बोल रहे हैं कि भाई तुम बताओ, यहाँ पीछे से मेरा भाई भी पसंद कर रहा है देख रहा है, हमारे यहाँ जो हैं वो मेरा भाई और मेरे बच्चे बहुत एक्स्ट्रा शौकीन हैं इन चीज़ों के, पूरे साल के 12 महीने हमारे यहाँ अगर कभी इनसे कोई बात करने का दिल चाहे आपको तो इनके पास सिर्फ एक ही मौजू होता है बकरा और गाय, तो भाई यही सब कुछ है, इतने डरपोक अम्मा के इतने बहादुर बच्चे हैं, तो क्या कर सकते हैं भाई। आप में से कौन कौन पसंद करता है इस शौक़ को और कौन कौन कहता है कि भाई दूर दूर से ही सही है? मेरे हिसाब से तो भाई जानवर है बताकर तो मारेगा नहीं वो आपको, अगर कभी भी मारना चाहे वो मार सकता है, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं, इतना मैं डांटती हूँ उनको, लेकिन मजाल है जब वो सुन लें इस बारे में ना, लेकिन फिर भी मैं पूरा अपना काम कंटिन्यू रखती हूँ और मैं उन्हें डांटती रहती हूँ। तो बस यहाँ बड़ी खूबसूरत सी गायें थी, ये जोड़ी थी यहाँ पे, तो यहाँ पर भी पापा इसके प्राइस वगैरह लगा रहे थे लेकिन यहाँ बात नहीं बनी, यहाँ पापा ने जो है इसके 5 लेग्स लगाए थे और इन्होंने लगाए हैं 8 लेग फाइनल, यानी कि जो व्यापारी था उसने 8 लाख आखिरी बताएं और मेरे पापा ने 5 लाख लगाए थे लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो कोई बात नहीं खैर है आगे देखते हैं और कुछ समझ आ जाता है तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, मेरे साथ साथ ही रहें। और यहाँ हम एक और कैटल फार्म में आ गए, हमारे यहाँ जो है सबको वाइट वाले ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और लग भी देखने में खूबसूरत रहते हैं,
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये एक और वाइट कलर की बड़ी खूबसूरत सी काउ थी और थोड़े गुस्से वाली थी, लेकिन मोहम्मद साहब को तो यूजुअल बस नहीं चलता है। यहाँ पे आपने कहा इसको खोल के दिखाओ और चलवाते हैं, टहला कर दिखाते हैं इसको कि कैसे चलती है। पकड़ो मोहम्मद, रस्सी पकड़ो, रस्सी में हाँ पकड़ो पकड़ो दो जाते हैं, चलाओ ना थोड़ा सा आगे लाओ। देखो ईशा, दादा आगे नहीं जाना, पैंतीस रुपए की बस सस्ती यही डन कर लेना। 35 लाख। अभी वो जूम आ जाएगा, वो लाइट है पीछे तो ले ले हटाओ इशा, चलो सही हटियो इशा, ओ माशा अंकल ये वाला सोने वाला कितना, ये ब्लैक चलाओ। अभी जो आप लोगों ने गाय देखी थी जिसको मोहम्मद टहला रहा था भाई, उसके मेरे पापा ने लगाए हैं फाइनल 5 लाख रुपए और इसने लगाए हैं 10 लाख रुपए, यानी कि व्यापारी ने 10 लाख लगाए और हमने 5 लाख लगाए, तो इसमें भी हमारा सौदा डन नहीं हुआ। लेकिन वो पसंद काफ़ी ज़्यादा आ गई थी तो बच्चे पीछे लग रहे थे कि भाई इसके प्राइस लगाएं, तो काफ़ी बहसबाजी हुई प्राइस के ऊपर, लेकिन बार्गनिंग करने के बावजूद भी सौदा नहीं बन सका और नहीं ली कुर्बानी के जानवर अभी तक हमने। तो चलें आगे चलते हैं और आगे दिखाती हूँ आपको कि आगे बच्चे किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ नो डाउट जानवर बहुत खूबसूरत हैं, इनके कलर बहुत मुख्तलिफ से हैं और बहुत सफाई वगैरह करी हुई इन्होंने जानवरों के ऊपर, खूब कपड़े वगैरह लगा के साफ़ कर रहे होते हैं और ब्रश से भी सफाई कर रहे होते हैं। अब ये एक और गाय हमें पसंद आ चुकी है और इसको खुलवाया है और इसके प्राइस लगाते हैं कि ये कितने बोल रहे हैं, तो इसके लगाए हैं 3.5 लाख रुपये हम लोगों ने और इसके व्यापारी ने, इसके पैसे लगाए व्यापारी ने 9 लाख रुपये। तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा प्राइजेस, मैं इसलिए थोड़ा आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पर जो है प्राइजेस का आइडिया अक्सर लोगों ने कहा था कि आप जमील में उनका जब व्लॉग बनाए तो उसमें थोड़ी प्राइजेस भी बताइएगा। तो जाहिर सी बात है कुर्बानी करनी है और हर बंदे को अपनी हैसियत के मुताबिक ही कुर्बानी करनी है, तो इसलिए मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं प्राइस बताऊँ आप लोगों को, लेकिन क्योंकि काफ़ी डिमांड थी तो इसलिए थोड़ा सा एक आइडिया के तौर पर मैंने आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या प्राइस रेंज चल रही है यहाँ पर। और ये देखें ज़रा, ये गायों का इस तरह से कैटवॉक करवा के, डांस करवा करवा के दिखा रहे हैं। तो अब मतलब इतना डिफरेंस तो मैं बोल रहा था, आप बता दो कि यार क्या बोलूँ मैं फिर, बहुत नहीं करो मोहम्मद, नहीं करो मोहम्मद, अरे सही तो आप ही हो ना, आने वाले मोहम्मद लग जाएगी तुम्हारे, मोहम्मद लगा लिया।
यहाँ एक और कैटल फार्म में आए थे और ये गायें इतनी खूबसूरत मुझे लग रही थी, लेकिन इतने गुस्से से मुझे देख रही थी, इसको देख के मुझे डर लग रहा था। और मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि यार ये इतनी इधर इधर क्यों देखे यार। हस्बैंड कह रही ये इसको तुम अच्छी लग रही हो इसलिए ये घूर घूर के देख रही है। तो बस इसी तरह बच्चे जो थे वो अपनी दुनिया में मगन है भाई। बचपना इसी को कहते हैं शायद, कि आप चीखते रहो कुछ भी करते रहो, बच्चे अपनी कर रहे होते हैं। बच्चों को डर ही नहीं लगता गायें बकरों से यार, पता नहीं क्यों। लेकिन इनका मैं सच बताऊं कि रियल में अगर आप देखें तो इनकी हाइट इतनी इतनी ज़्यादा है। पीछे अब ये जानवर जो मैंने आपको दिखाया था गायें, वो मेरे भाई के जितनी उसकी हाइट थी, बल्कि वो गायें उससे भी ज़्यादा लंबी थी। और अब यहाँ हम लोग आए हैं तो यहाँ पे देखें, ये रात का टाइम था और ये आराम सुकून से लेटी हुई पूरी टांगे वांगे सीधी करके, और मेरे बच्चों को सुकून नहीं है, उसको भी तंग करने लगे हैं। और मोहम्मद का तो काम है बस तंग करना, वो हर जानवर के पास जाता है उसको छेड़ता है। अगर कोई खुराट गाय होती है तो फिर उसको और मज़ीद छेड़ता है। इनके बल चेक करें ज़रा, माशाल्लाह से कितने खूबसूरत जानवर हैं ये, और इतनी मोटी मोटे इनके बल हैं। तो बस बच्चों का तो भाई हम घर से डिसाइड करके आए थे कि सिर्फ 2 कैटल फार्म या 3 कैटल फार्म में आप घूमेंगे और वापस हम घर जाएंगे, लेकिन बच्चे यहाँ आके कैटल फार्म में आके फैल चुके हैं बुरी तरह, और जब वापस जाने का मूड नहीं है। बहुत फैमिली एनवायरनमेंट था यहाँ का, यहाँ का काफ़ी फैमिली एनवायरनमेंट है। और यहाँ पे देखें एक कैटल फार्म के अंदर ये दुम्बे और बकरे भी बने हुए थे, और इस दुम्बे की खासियत ये है कि इसके 4 सींग हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। और ब्लैक कलर का ये दुम्बा था, उसके दुम्बे के बाल काटे हुए, और ये इतने सारे आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं तो भाई ये मेरे घर के बच्चे नहीं हैं, ये दूसरी फैमिली जो मैं आपको बता रही हूँ आई हुई थी, कि बच्चे जो हैं वो फुल इन्जॉय कर रहे थे, उनको फुल आज़ादी मिली हुई थी। और ये बकरे गायें भी तंग आए हुए थे कि इतने बच्चे कहाँ से आ गए हैं। तो बस बच्चे तो आपको पता ही, देखें कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इतने करीब करीब खड़े हुए इनके, और फैमिलीज भी सारे साथ हैं इनकी, अम्मी वगैरह भी सब देख। ये देखें जनाब इस दुम्बे का मैं आपको बताती हूँ, इसके टायर चेक करें, गर्दनों पे बल इसके मोटे मोटे से माशाल्लाह से, और ऐसा गोल मटोल लग रहा था ये, मेरे भाई को मज़ा आ रहा था इसको हिला रहे थे, पूरा लगता वाइब्रेट हो रहा है पूरा ना, और था देखने में क्यूट काफ़ी है। और बस बच्चों नहीं करो मोहम्मद, नहीं करो मोहम्मद, बस पीछे हट जाओ मोहम्मद, मोहम्मद गंदा मोहम्मद, अब तुम बदतमीजी कर रहे हो, इसी में खाना खा लो ना तुम साथ मोहम्मद, तुम मार खाओगे ना जब सही हो गए। यहाँ बस आप रश चेक करेंगे, रश कितना ज़्यादा है, काफ़ी फैमिलीज आ रही हैं और गाड़ियाँ पार्क हुई हैं, और सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था यहाँ पे, और मतलब कोई मिसमैनेजमेंट वाला चक्कर नहीं था यहाँ पे। फैमिलीज आराम से घूम रही हैं, लेडीज़ बच्चे, और ऐसा नहीं था कि बॉयज़ या मेल्स नहीं आ रहे थे, खाली वो भी आ रहे थे, लेकिन फैमिली इन्वॉल्वमेंट था, बहुत अच्छा पीसफुली जगह थी, कि मतलब बच्चे आराम से घूम रहे हैं। अगर आपके बच्चे भी इतने ही शौकीन हैं तो आई थिंक मंडी ले जाने से बेहतर है कि आप जमील मेमन कॉलोनी चले जाएं, और वहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह भी हैं, आप सुकून से बैठ सकते हैं और बच्चा 1-2 घंटे आपका इंजॉय कर सकता है। बस मेरी तरह आपको थोड़ा चीखना पड़ेगा बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वाकई बहुत खूबसूरत जानवर हैं और बहुत बड़े बड़े हैं। बस बच्चे समझते नहीं हैं इस बात को कि भाई जानवर है मार सकता है आपको, लेकिन बच्चे क्या करें। तो मेरा तो हर दफ़ा ही कुर्बानी का सीज़न बड़ा टफ़ होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ और मेरे बच्चों को उतना ही ज़्यादा शौक़ है यहाँ, हर इनका बस नहीं चलता है सुबह शाम यहीं छोड़ दूँ। अभी भी मोहम्मद बस जिद कर रहा था कि मामा थोड़ा और घूमे और घूमे, लेकिन यार बंदा थक जाता है, इतनी गर्मी है कराची में एक तो हद से ज़्यादा। तो बस यहाँ पे अभी घूम ही रहे बच्चों, यहाँ एक और कैटल फार्म में आए थे। यहाँ पे इनके पास ऑस्ट्रेलियन गायें बनी हुई थी, लेकिन बड़ी खूबसूरत थी भाई, ये बैठी हुई इतनी ह्यूज साइज़ की लग रही थी, और इसका मुंह देखें ज़रा, देखकर इसको खौफ आ रहा था करीब से कि इतनी बुरी तरह घूर रही है। मेरी मियाँ कहते तुम इनकी आँखें क्यों देख रही हो लेकिन वही नज़र ही उस पर पड़ रही थी, क्या कर सकती हूँ, लेकिन बहुत ह्यूज साइज़ का था ये। अभी थोड़ी देर में खड़ा हुआ होगा तो मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना बड़ा साइज़ का था। तो लेकिन बहुत अच्छा था, बच्चे जो हैं वो बस इन्जॉय कर रहे हैं, और गर्मी से हमारा बुरा असर हो रहा है, इतनी शदीद कोई गर्मी पड़ी हुई है ना कराची में आजकल, पड़ रही है
ठीक है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए ये खड़ा हो गया और माशाल्लाह इसका साइज़ आप चेक करें, इतना ये लंबान में इतना ज़्यादा बड़ा था और बहुत ह्यूज सा था। ये वीडियोज़ में इतना पता नहीं चल रहा होता जानवरों का, लेकिन ये वाकई बहुत ही ह्यूज साइज़ का। पता नहीं क्यों जानवर इतने बड़े बड़े नज़र नहीं आते वीडियोज़ में और इंसान बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे होते तो अजीब कंपेरिजन हो रहा है वैसे ये। तो चले आगे दिखाती हूँ आपको भाई। और यहाँ पर जो है ये गाय मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही थी और इतनी मासूम टाइप की लग रही थी शक्ल इसकी। फेस तो ब्लैक एंड वाइट था लेकिन इतना अच्छा इसका ब्लैक कलर था कि अच्छा लग रहा था मुझे। वरना मोहम्मद तो मुझे हर उसको देख के कहते हैं ये तो अच्छा ही है ये तो। यहाँ पर एक और जानवर था मुझे बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत इतना था, इसका शेड इतना अच्छा था, वाइट और ब्राउन था और ब्राउन भी लाइट गोल्डन ब्राउन टाइप का था, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। ये देखें इसकी खूबसूरती चेक करें। और इसकी कुदरत ये है कि इसकी एक आई लैश जो है वो वाइट है और रवि दूसरी तरफ मुँह करेगी तो इसकी एक आई लैश जो है वो ब्लैक कलर की। ये देखें ज़रा अल्लाह की शान है कि कितनी मुख्तलिफ सी एक चीज़ है, लेकिन ये नो डाउट देखने में बहुत प्यारी लग रही थी और ऐसा लगा था मैं इसका वीडियो बना रही हूँ तो ये मुझे फुल अपना फेस सही करके पोज दे रही है कि भाई इस तरह से मेरा वीडियो बना लें। वैसे तो इस व्लॉग का असल मज़ा आप लोगों को रियल वॉइस में ही आता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे चल रही थी कवालियाँ और नाते वगैरह तो जिसकी वजह से कॉपीराइट आ सकता था, तो इसलिए मैं जहाँ कोशिश कर सकती थी कि मैं रियल वॉइस सुनाऊँ मैंने वहाँ सुनाई है आपको, और बाकी जगह जहाँ मैं नहीं लगा सकती थी कॉपीराइट की वजह से वहाँ मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। और यहाँ मोहम्मद मुस्तकिल कुछ ना कुछ छेड़खानी कर रहा है। अब बराबर वाली गाय सुकून में खड़ी थी, मैंने कहा भाई उसको प्यार कर लो, कह रहा नहीं उसको नहीं करूँगा इसी को करूँगा। अब वो थोड़े गुस्से वाली है तो इसको बस जिद है कि मैं इसी को हाथ लगाऊँगा। यहाँ इस वाले कैटल फार्म की बड़ी एक अजीब सी बात थी, यहाँ हर जानवर के नाम थे, कोई नूरजहाँ था तो कोई लाल खान था, कोई लाल बादशाह था, हर उसके एनिमल के आगे उसका बोर्ड लगा हुआ है नाम का। तो ये एक नई चीज़ मैंने देखी कि नाम लगे हुए सबके अलग अलग ना, लेकिन बड़े मज़े मज़े के नाम थे कि लाल खान, नूरजहाँ, हुस्न जमाल, इस तरह के मज़े मज़े के नाम थे। तो चलें आगे चलते हैं। अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये है चांद बैल। उफ़ ये इतना ख़तरनाक इसके सींग थे, ये देखें ज़रा आप करीब से, मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके। और ये ख़तरनाक ऐसा लग रहा था ना देखने में। और मोहम्मद साहब फुल चक्कर में थे कि मैं इसको किसी तरह हाथ लगा लूँ। मैंने मोहम्मद को बोला तुमने अगर यहाँ हाथ लगाया ना तुम्हारे यहीं पे चमाट में लगाने वाली हूँ और तुम सही हो जाओगे। फिर यहाँ इनका मुस्तकिल फरमाइशी प्रोग्राम चलता रहता है कि अच्छा इतनी देर और बढ़ जाते हैं, थोड़ी देर और बैठ जाते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर और घूम लेते हैं, तो बस यही चलता रहता है। यहाँ एक कैटल फार्म था और यहाँ पर बकरे बैठे थे, बड़े माशाल्लाह मोटे ताज़े बकरे थे, बड़े बड़े साइज़ के। और यहाँ देखें इस बकरे को कितने मज़ा आ रहे हैं, शायद इसको प्यार कर दिया तो ये पूरी अपनी गर्दन और सीधी करके बैठ गया कि भाई आराम से करते हैं, कोई मसला नहीं है। इतनी देर तक ईशा इसको प्यार करती रही, ये इसी तरह बैठा रहा कि भाई इसे मज़े आ रहे हैं ना। और मैं और हस्बैंड हस्बैंड आ रहे थे कि देखो ज़रा इनको कितने मज़े आ रहे हैं ये ऐसे बैठे हुए। और कुछ जानवर तो बेचारे तंग आए हुए थे बच्चों से, क्योंकि हर तरह का बच्चा होता है, जैसे मेरा एक बच्चा है नमूना था, तो ऐसे और सारे बच्चे भी आते हैं शरारतें करते हैं और तंग करते हैं जानवरों को, तो बस क्या कर सकते हैं भाई, हमारा बच्चा जैसा भी है, डांट डपट तो करना पड़ता है, मजबूरी है हमारी, लेकिन क्या करें कुछ चीज़ों पर फिर इग्नोर भी करना पड़ता है। अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं तो इनकी डिमांड्स भी बड़ी हो रही है ना, अब इनको यह है कि अकेले मंडी भेजो, इतने बड़े ये हो चुके हैं तो खैर अकेले मंडी का तो कोई ऑप्शन है नहीं इनका। अकेले से मतलब ये कि इनको मैं इनके मामू के साथ या बाबा के साथ मंडी जाने दूँ जहाँ से ये लोग मंडी से गायें ख़रीद के लेकर आएंगे, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं क्योंकि ये इतना भागा दौड़ी करता है, तो इसके लिए तो कंट्रोल करने के लिए मैं जब तक ना हूँ तो मैं इस तरह इसको छोड़ नहीं सकती। तो ये देखें अभी भी मैं इसको मना करती हूँ कि मोहम्मद देखो इनकी कैट वॉक होगी और ये देखें इनको सफाई वगैरह कर रहे हैं तो तुम पीछे हटो, इनकी रस्सियाँ खुली हुई हैं, लेकिन मोहम्मद देखें कहाँ जा रहा है आगे, इसको फिर डांट पड़ी है अपने बाबा से, तो डांट आए उन्होंने तो पीछे आया है। तो बस काश मैं आपको इसकी रियल सारी आवाज़ें सुना सकती। और आज का व्लॉग तो मुझे पता है स्पेशली ये बच्चों के लिए हैं या कुर्बानी के शौकीन लोगों के लिए हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या जो लोग ओवरसीज़ रहते हैं और वो पाकिस्तान की कुर्बानियों को मिस करते हैं, तो उनके लिए आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर मेरा आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। तो अभी तो कुर्बानी सीज़न स्टार्ट हुआ है, आगे भी इंशाल्लाह मैं आपको और दिखाती रहूँगी व्लॉग्स अपने। हंसने की बात है, डरपोक हो ना तुम, मानो फट्टू हो, आग लगा ले। मैं तो मना करती हूँ, मुझे डर लग रहा है भाई। ये वाले यार वो पिछले वाले में नहीं मिल रहा, मुझे तो नहीं मिलता वाला का माउंटी भी मिल रहा है बिल्कुल।
साइज थोड़ा छोटा था, चले आगे चलते हैं। और यहाँ देखें एक और गाय बैठी हुई बड़े सुकून से, और एक ये छोटा सा बच्चा मोहम्मद के बराबर में आपको खड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। ये तो पूरा ऐसा लगता है इसके ऊपर लेट ही रहा है। मैं इस बच्चे को भी आवाज़ लगा रही थी कि बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ, ये पता नहीं किसका बच्चा था, और गाय एकदम उठ ना जाए तो डर लगा था। अपने बेटे को भी मैं डांट ही रही थी साथ में। तो यहाँ देखें एक और कैट वॉक स्टार्ट होने लगी है, और इस गाय का हो रहा था सौदा, और ईशा डर के आ गई फ़ौरन भाग के कि ये देखें ज़रा कितनी खूबसूरत इसका कलर है, और माशाल्लाह बहुत गोल मटोल सी थी, तो मज़े की लग रही थी देखने में। जब भागते हुए आ रहे थे ना तो बड़ी हंसी आ रही थी इनको देख के, ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज़ ढम ढम करती हुई आ रही है। मोहम्मद आ जाओ, बस मोहम्मद आओ यार बाहर, उसको बाहर निकालो, मोहम्मद आ रहा हो मेहरबानी, एक दो बाहर आओ, छोड़िए मैंने अपना। ये कैट वॉक करता हुआ और ये गाय है, गाय नहीं है बुल है, क्या है मोहम्मद, बुल नुखरी थी भाई। चलो भाई नुखरे नुखरी बछड़ा था, बस भाई हम लोग तो बहुत थक चुके हैं और बहुत अंदर घूमे, बच्चों ने बहुत घुमाया है हमें। हम यहाँ आए थे ऑलमोस्ट 11 बजे और इस वक्त बज रहे हैं रात के 3:30, और आप रश देखें वीकेंड का रश है, लोग बहुत आ रहे हैं। ये व्लॉग मेरा 3-4 दिन पहले का है, लेकिन क्योंकि लाइट इतनी आ रही जा रही है तो मैं व्लॉग एडिट नहीं कर सकी और अपलोड नहीं कर सकी। तो बस ये आप उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नहीं हुए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। टिल देन अल्लाह हाफिज़।